नमस्कार दोस्तों, क्या आप एक ऐसे सॉफ्टवेयर की तलाश में हैं जिससे आप प्रोफेशनल लुकिंग यूट्यूब थंबनेल्स बना पाए और वो भी फ्री? तो देखते रहिए इस वीडियो को जिसमें मैं आपको एक काफ़ी अच्छा प्रोफेशनल लुकिंग सिंपल फ्री टूल बताऊंगा जिससे आप अट्रैक्टिव थंबनेल्स बना पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप YouTube के लिए फ्री थंबनेल सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ कर सकते हैं। तो आपको YouTube ब्राउज़र पे जाके ये एड्रेस डालना है, www.canva.com। कैनवा ये एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है जो कि टोटली फ्री है और वो आप यूज़ कर सकते हैं YouTube के थंबनेल बनाने के लिए। तो www.canva.com पे जाइए। मेरा फ़िलहाल यहाँ पे अकाउंट क्रिएटेड है। आपको वहाँ पे जाने के बाद कुछ ऐसी स्क्रीन दिखेगी www.canva.com पे। आपको साइन अप करना है। नॉर्मल नॉर्मल साइन अप के स्टेप्स, या गूगल अकाउंट से या अपने ईमेल से आप साइन इन कर सकते हैं। एक जो साइन इन भी फ्री है, आप कोई भी चार्जेस नहीं पड़ना है। और एक बार आपने साइन अप कर दिया तो आप कुछ स्क्रीन पे आ जाएंगे। तो अभी आपको आपके पास आइडिया होगी थंबनेल की, तो आप तुरंत ही शुरू हो जा सकते हैं। यूजुअली थंबनेल्स हम यूट्यूब के वीडियो के स्क्रीनशॉट्स पे लेते हैं या किसी फोटो को ही हम एडिट कर देते हैं, तो ये एक्चुअली उसी का वही काम करता है। तो आप यहाँ पे जाके क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक कर सकते हैं और स्टार्ट विथ एन इमेज कर सकते हैं अगर आपके पास कोई स्क्रीनशॉट हो तो। मेरे पास ये एक स्क्रीनशॉट है जो मैं एडिट करके दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल हम कैसे थंबनेल कर सकते हैं। अभी मैं कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन खेलता हूँ, तो मैं उसी पे दो चार वीडियोस बना लेता हूँ। तो मैंने उसी का स्क्रीनशॉट लेके रखा है। अभी मैं उसका थंबनेल बना के एक आपको ट्रायल दिखा दूंगा कि आप कैसे ये कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल काम है। तो मैं कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन खेलता हूँ, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और गेमिंग में इंटरेस्टेड है तो टॉप राइट में आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा जहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो वो प्लेलिस्ट। काफ़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैं टिप्स वगैरह भी शेयर कर लेता हूँ, तो ज़रूर वो सीरीज़ चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए बाकी की बातें बाद में करेंगे, पहले हम कैसे आप सिंपल वे में यूट्यूब थंबनेल बना दे वो दिखा सकता हूँ। तो मेरे पास ये स्क्रीनशॉट रेडी। अभी मैं ऐसा बना रहा हूँ कि मैं वॉरजोन ये जो बैटल रॉयल है वो फर्स्ट टाइम जीत चुका हूँ, तो मुझे सॉर्ट ऑफ कुछ तो काफ़ी सिंपल थंबनेल बनाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बार आपने इमेज अपलोड कर दी तो आपको किस टाइप का शेप या टेक्स्ट डालना है, म्यूजिक डालना है, एलिमेंट डालना है, जो कुछ भी आपको डालना है वो आपको ये लेफ्ट के मेनू में दिख जाएगा। तो मैं कुछ एलिमेंट डालना चाहता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अलग अलग शेप्स है, इमोजीज रहते हैं, या आप स्टिकर्स डाल सकते हैं, चार्ट्स डाल सकते हैं, जो जिस तरह की आपको थंबनेल का शेप चाहिए। देखिए आप यहाँ पे देख सकते कि काफ़ी सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के थंबनेल हैं। आप यहाँ पे भी आराम से शेयर कर सकते हैं, शेयर नहीं सर्च कर सकते हैं, और आपको जैसा चाहिए वैसा कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ अलग अलग मतलब मैंने सर्चेस किए थे, तो मिस्टेक पे कुछ इतना ठीक ठाक आया नहीं था, लेकिन आप सैड ऐसा सर्च करके सर्च करके तो देख सकते हैं आप काफ़ी इमोजीज या शेप्स आ जाएंगे। अगर आपका वीडियो कुछ अगर आपके वीडियो में आपको कुछ फेसेस डालने हो या कुछ फनी मीम टाइप आपको आपका थंबनेल बना होना हो तो वो सब आप कर सकते हैं। तो अभी मैं विक्ट्री का डाल रहा हूँ, वॉरजोन में फर्स्ट आया था, तो उसके लिए मैंने ये पहले भी मतलब ये सेम थंबनेल मैंने बनाया है उस वीडियो के लिए, इसलिए मेरे रिसेंट में मैंने ये ऑब्जेक्ट यूज़ किया है। तो मैं ये यूज़ करूँगा, देखिए ये काफ़ी सिंपल है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये ऑब्जेक्ट आ गया, आप इसको यहाँ पे रख सकते हैं। अभी क्योंकि मैं फर्स्ट आया हूँ तो मैंने एक मिडल डाल दिया है मेरे
थंबनेल पे। अभी मुझे टेक्स्ट ऐड करना है, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट पे जा सकते हैं, आपको जिस तरह का टेक्स्ट चाहिए वो है, और काफ़ी सारे टेम्पलेट्स भी रहते हैं यहाँ पे, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब मैं ये यूज़ कर लेता हूँ टेम्पलेट, तो मैंने ये कर दिया। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अभी मुझे ये वाला नहीं चाहिए तो मैंने उसको हटा दिया। ये वाला चाहिए तो हम उसको रख लेते, थोड़ा छोटा कर देते, कोई बात नहीं छोटा। तो मैंने इसको, मुझे ये एडिट करना है, लिख देता हूँ फर्स्ट वॉर जोन विक्ट्री, ऐसा मुझे टेक्स्ट चाहिए, तो मैंने ये कर लिया। उसका साइज एडजस्ट करना हो तो आप साइज साइज भी एडजस्ट कर सकते हैं, मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो ये आ गया फर्स्ट वॉर जोन विक्ट्री, हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं जैसा चाहिए वैसा, और थोड़ा साइज बढ़ा देना चाहिए। और थोड़ा साइज बढ़ा देते, थोड़ा ऊपर कर लेते, तो ऐसा लगेगा कि ये बंदा इसी यहाँ पे देख रहा है, और आपको और नीचे भी कुछ टेक्स्ट चाहिए हो तो। मैंने पहले तो ये टेम्पलेट कॉपी कर लेते, वापस से पेस्ट कर दिया। मैं कीबोर्ड से कर रहा हूँ इसलिए आपको कुछ दिखा नहीं होगा। तो मैं अभी कॉल ऑफ ड्यूटी वॉर जोन सोलोस खेलता हूँ, तो आप उस हिसाब से मैं थोड़ा सा टेक्स्ट एडिट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आ गया, पहले तो फॉन्ट सेट कर लेते, थोड़ा मतलब पूरा स्क्रीन भर जाए ऐसा मुझे कुछ तो करना है। ये काफ़ी बड़ा हो गया, ये ठीक ठाक लग रहा है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया कॉल ऑफ ड्यूटी वॉर जोन हिंदी। मैं हिंदी में वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो मेरा सॉर्ट ऑफ ये गेमिंग टाइटल हो गया। अगर चाहिए तो मैंने और थोड़ा सा बढ़ा दिया तो ये आराम से फैल जाएगा। तो ये बन गया अपना थंबनेल। अभी आप वो ये इमेज को डायरेक्टली डाउनलोड करना चाहे तो ये डाउनलोड कर सकते हो, पीएनजी में डाउनलोड भी हो जाता है। कभी कभार ये डाउनलोड साइज थोड़ा बढ़ जाता है, और थंबनेल का कभी कभार साइज अपलोड का लिमिट रहता है, देखते पहले कि डाउनलोड्स में आ गया है क्या। तो ये आप देख सकते हैं कि आपका आपका थंबनेल रेडी है। अगर आपको क्रॉप भी करना है तो आप क्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन लेकिन हमारा थंबनेल रेडी है, तो इसी तरह से आप भी अपने थंबनेल बना सकते हैं। और जी हाँ, काफ़ी आप देख सकते हैं जैसा जैसा कि ये टूल है, काफ़ी आसान टूल है। आप अलग अलग फोटोज़ ऐड कर सकते हैं, एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, म्यूजिक ऐड कर सकते हैं, वीडियोस ऐड कर सकते हैं, बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं। तो आपको नॉट नेसेसरीली थंबनेल, वो इमेज टेक्स्ट एडिटिंग जो जो कुछ भी करना है अलग अलग, वो आप सभी के सभी यहाँ पे कर सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी आसान टूल है, आपको कुछ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये साइट पे जाके कर लेना है, बाद में डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको जस्ट एक टिप बता दूं कि ये डाउनलोड करते समय कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो विंडोज़ में काफ़ी आसान है एक वे है जिससे आप कर सकते हैं, इसको बोलते हैं स्निपिंग टूल। बस जाइए यूट्यूब विंडोज़ में और सर्च कीजिए, और यहाँ से अब आप अपने इमेज को क्रॉप कर दीजिए और यहाँ से सेव एज कर दीजिए। वापस मैं अभी डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, कैप्चर डॉट पी एन जी, ये हो गया सेव। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा छोटा बन जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, ये ज़रूर आपको कभी कभार काम आ सकता है, क्योंकि YouTube पे अगर आप अपलोड कर रहे हो थंबनेल तो उसका साइज लिमिट होता है। अगर ये इमेज काफ़ी मतलब यहाँ से डाउनलोड करने के बाद बड़ी हो गई हो तो आप स्निपिंग टूल यूज़ करके उसको क्रॉप कर ले सकते। तो ये था एक सॉफ्टवेयर जो आप बेसिकली यूज़ कर सकते हैं आपको प्रोफेशनल लुकिंग थंबनेल के लिए। तो यही मुझे आपके साथ शेयर करना था, ये फ्री है। इसके काफ़ी ऑब्जेक्ट्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं जो जिसके लिए आपको पैसे भरने पड़ेंगे, लेकिन काफ़ी काफ़ी ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी है इसमें जो फ्री है। मैं ये एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ, ये वाले जो आप देख सकते हैं, इसके जहाँ पे जाने के बाद
यहाँ पे फ्री लिखा रहता है, कभी कभार वो पेड भी रहते हैं, लेकिन यूजुअली इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, जो फ्री ऑब्जेक्ट से उनसे काम हो जाता है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़रूर कैनवा पे जाके आप अपने थंबनेल्स एडिट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ऐसे कुछ टिप्स के बारे में मैं काफ़ी कुछ वीडियोस अपलोड करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। या एंड आई विल पुट ऑल द जो कुछ भी लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से वो एक्सेस कर सकते हैं। सो वंस अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइज, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।